हेलो एवरीवन. सो आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर. जनरली आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कह रहे होते हैं. तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. जैसे कि मान लेते हैं ये आर्टरीज हैं, ठीक है, ये आर्टरीज हैं और ये है ल्यूमेन, ठीक है. ल्यूमेन के अंदर, इसके अंदर क्या दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है. तो जो ब्लड इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, इन वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी इन वॉल्स के ऊपर, इसी को आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं. एग्जाम्पल से इससे देख लेते हैं. जैसे ये अगर ब्लड वेसल है और ये जो ये रिफिल है इसको मान लेते हैं हम ब्लड. तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो रिफिल जा रही है और ये जो ब्लड है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ना इसके वॉल्स पे, इस आर्टरीज़ के वॉल्स पे जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इसी को आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है. तो ये दो तरह के होते हैं. एक होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक हमने बताई थी. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है. तो सिस्टोल मतलब, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब मैक्सिमम प्रेशर बाय द आर्टरीज ड्यूरिंग द सिस्टोल. यानी कि सब मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है आर्टरीज पे सिस्टोल के वक्त, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो आर्टरीज पे, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो आर्टरीज पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसी हम सिस्टोलिक प्रेशर कह रहे होते हैं. इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 प्लस माइनस 10 mm ऑफ Hg होती है. फिर नेक्स्ट होता है डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर मतलब मिनिमम प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आर्टरीज ड्यूरिंग द डायस्टोल. यानी कि आर्टरीज के वक्त, आर्टरीज के जरिए जो मिनिमम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल क्या, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के वक्त जो मिनिमम ब्लड प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था आर्टरीज के जरिए उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. इसकी वैल्यू होती है 80 mm ऑफ Hg प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 10, ठीक है. और पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों के डिफरेंस को ही पल्स प्रेशर कह रहे होते हैं. इसकी नॉर्मल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 40 mm ऑफ Hg प्लस माइनस 10 होती है, ठीक है. प्लस माइनस 10 इसलिए क्योंकि हमेशा एक रेंज लेके चलना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं होती है, ठीक है. अब ब्लड प्रेशर की भी वेरिएशंस होती है, मतलब ये वेरी करता है. फिर इनकी भी वेरिएशन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होती है. फिजियोलॉजिकल में देखें तो क्या क्या होता है, अगर एज के हिसाब से देखें तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है. क्यों, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी थिकेंड होने लगती है. आर्टरी क्या होने लग जाती है, मोटी होने लग जाती है. अगर ये वॉल है आर्टरी का तो ये धीरे 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 मोटी होने लग जाती है, हार्ड होने लग जाती है. तो जो ब्लड होता है ना वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है इनके ऊपर. तो इसी तरीके, इसी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है. सेक्स की बात करें तो फीमेल्स में मेनोपॉज से पहले पहले जो बीपी होती है वो 5 mm ऑफ Hg कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. सेम एज के मेल्स होंगे फिर भी उनकी बीपी जो होती है 5 mm ऑफ Hg कम होती है मेनोपॉज से पहले पहले. मेनोपॉज के बाद तो बराबर हो जाती है, ठीक है. फिर बॉडी बिल्ड की बात करें तो जितना ज़्यादा ऑबीज होगा, मतलब जितना ज़्यादा कोई मोटा होगा, ऑब्वियसली उनकी जो आर्टरीज होंगी वो ज़्यादा ही नैरो होंगी. जितनी ज़्यादा वो ओबीज होंगी उसकी आर्टरी उतनी हार्ड और नैरो होंगी, तो उतनी ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर वो जो आर्टरीज पे प्रेशर उतनी ही ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा होगा ब्लड. तो इसीलिए पीपी ओबीज में बढ़ा हुआ रहता है. डायूरिनल वेरिएशन की बात करें यानी दिन और रात की वेरिएशन, तो अर्ली मॉर्निंग में जो होता है ब्लड प्रेशर स्लाइटली लो रहता है, ग्रेजुअली वो दोपहर के टाइम तक बढ़ जाता है और इवनिंग टाइम तक आते आते कम हो जाता है वापस, ठीक है. और आफ्टर मील की बात करें तो जैसे हमने कहीं पढ़ा था कि मील के बाद क्या हो जाता है, खाना खाने के बाद कुछ टाइम बाद ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है. फिर इमोशन की बात करें, कोई भी इमोशन होता है, एक्साइटमेंट होती है, फियर होता है, एंजाइटी होता है, तो एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो वो इन रिस्पॉन्स क्या करता है, अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है. अगर कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे मॉडरेट कर रहे हो, तो मॉडरेट अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज करता है 20-30 mm ऑफ Hg से. क्यों, क्योंकि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है. अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. पैथोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करें तो उसमें दो ही होता है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, ठीक है. और उसके बाद डिटरमिनेंट्स ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, यानी कि क्या कॉजेज होते हैं जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, या फिर मतलब क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इफेक्टेड देखते हैं. लोकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें दो होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल. सेंट्रल में क्या होता है, अगर कार्डियक आउटपुट को देखें तो कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगी, सिस्टोलिक, मेनली सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है.
क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, और जितनी ज़्यादा हार्ट रेट होगी तो वो भी अपने बीपी को बढ़ा रहे थे, ठीक है। और पेरिफेरल में बात करें तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कि जो अपनी बॉडी की जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं, जैसे कुछ सेंट्रल होती हैं और कुछ पेरिफेरल होती हैं, ठीक है। सेंट्रल तो ये हो गई और पेरिफेरल ये आर्टरीज जो अपने एक्सट्रीमिटीज में फ्लो हो रही थी, अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाए यानी कि वहाँ की जो आर्टरीज हो जाए वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, मोटी हो जाए, मतलब नैरो हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपना बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आर्टरीज नैरो होंगी जितनी ज़्यादा ये आर्टरीज का ल्यूमन छोटा होता जाएगा कंस्ट्रक्शन की वजह से, जितना ज़्यादा ये आर्टरीज का ये देख रहे हैं ये ल्यूमन छोटा हो गया, पहले बड़ा था, ये देख लेते हैं ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ल्यूमन बड़ा है अभी और अब क्या हो गया, ल्यूमन उसके बाद छोटा हो गया, तो जितना ज़्यादा ल्यूमन छोटा हो जाएगा उतनी ही फोर्स से ब्लड मूव कर रहा है, तो जितनी फोर्स से ब्लड मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो जितनी ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा बीपी, और इसी तरीके से जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो बीपी ज़्यादा होगा, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो भी बीपी ज़्यादा होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स अगर ज़्यादा हो जाए तो बीपी कम हो जाएगा, तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी, क्यों, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी देखते हैं कि अगर जो ब्लड वेसल्स ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, इलास्टिक ब्लड वेसल्स हो गई ये पूरी फैल गई हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड स्लो इसमें मूव करेगा, ठीक है, और वहीं अगर इलास्टिसिटी इसकी खो जाती है यानी कि अगर इलास्टिसिटी ये रिकॉइल नहीं हो पा रही होती है, इसकी ये इलास्टिसिटी खो जाती है और ये हार्ड हो जाता है ये वाले में, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो फोर्स से मूव करेगा, फोर्स से मूव करेगा तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है वॉल्स पे वो ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, तो उस टाइम पे बीपी इंक्रीज़ होता है, उस कंडीशन को हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी कि आर्टरीज़ का स्क्लेरोसिस हो जाना, आर्टरीज़ की हार्डनिंग हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो, जितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो की वेलोसिटी या स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, ऑब्वियस है, जितनी स्पीड से वो बढ़ रहा ब्लड मूव करेगी अपने आर्टरीज में उतनी ही ज़्यादा प्रेशर भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा, जैसे अभी इलास्टिसिटी की बात की उसमें यही कह रहे थे कि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा ब्लड वेसल्स का ब्लड उतनी स्लो मूव करेगा उसके अंदर, तो ब्लड डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीपी, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो बीपी कम होगी, डायमीटर कम होगा तो बीपी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी, अब यहाँ एक शॉर्ट चार्ट बना है जिसे हम समझ सकते हैं, जैसे क्या होगा, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया हमारे वो बॉडी का तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ गया तो वेंट्रिकलर की वेंट्रिकल्स में फिलिंग ज़्यादा हो जाएगा, फिलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा देगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा,